अब ये बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस कब है? 31 मार्च 22 को। अब आप ओपनिंग बैलेंस कब लोगे इसका, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा शर्मा एंटरप्राइजेस का फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए? कैश में कितना आ जाएगा? 25,000। बैंक में कितना आ जाएगा? 75,000। इसमें किसी को कोई डाउट? और होता क्या है, क्लोजिंग बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है? सपोज करो आपने ओपनिंग बैलेंस डाले ही नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 1 अप्रैल 22 मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने क्या कर दी, एंट्रीज स्टार्ट कर दी, अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी, बट आपने ओपनिंग बैलेंस लिए ही नहीं। अब फर्स्ट मतलब 2 अप्रैल को आपको कहा गया कि किसी को कैश पेमेंट करनी है 10,000 रुपए, तो आपने क्या कर दिया, कैश की पेमेंट कर दी 10,000 रुपए। तो जब कैश आपके पास यहाँ पे है ही नहीं तो आप पेमेंट कहाँ से करोगे? बात समझ में आ रही है? तो यही ओपनिंग बैलेंस का क्या रहता है, इंपॉर्टेंस रहता है कि लास्ट ईयर का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का 31 मार्च को जो बैलेंस बचा हुआ था, अमाउंट जो बचा हुआ था, वही 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। और उसके बाद आगे की फिर क्या होती है, ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है। अगर आपके पास 25,000 रुपये आपने ओपनिंग में ले लिया, तो आप जब 10,000 रुपये की पेमेंट करोगे तो आपकी बैलेंस शीट फिर शो करेगी कि अब आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, 15,000 रुपये बचा हुआ है। और ऊपर लेजर में भी आएगा कि ओपनिंग बैलेंस था 25,000 रुपये, 10,000 रुपये आपने पेमेंट कर दी, आज की डेट में आपके पास 15,000 रुपये बचा हुआ है। ठीक है, एक बैलेंस शीट तो ये वाली थी। दूसरी बैलेंस शीट हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ 30 जून 2022 को, मतलब 30 जून 2022 को। तो जब हम इसके बैलेंस शीट बनाएंगे तो मैंने कहा कि आपको कैश का लेजर बनाना है। क्या बनाना है? कैश का लेजर बनाना है, या कैश का तो ऑलरेडी लेजर बना हुआ होता है। मैंने आपको कहा कि बैंक का लेजर बना दो, एसबीआई का। ठीक है, तो क्या बैंक के लेजर में कोई बैलेंस आएगा गौरव? ओपनिंग बैलेंस आएगा कुछ? क्यों, अभी तो ओपन ही हुई है। मैं कहा आएगा कोई ओपनिंग बैलेंस कैसे? मैं कहा आएगा।